नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के जोगनहाई टोल प्लाजा के पास तीन युवकों के ऊपर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया। बजरंग नगर निवासी राहुल सेन की पीठ में गोली मारी गई, जबकि शुभम तिवारी के सिर पर कट्टे की बट से हमला किया गया। वहीं तीसरा युवक अखंड द्विवेदी मौके से भागने में सफल रहा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 वाहन से घायलों को संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां राहुल सेन की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि शुभम तिवारी की स्थिति सामान्य है। घटना पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के संज्ञान में आने के बाद अस्पताल में एडिशनल एसपी को दल बल के साथ भेजा गया, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार राहुल सेन शराब की दुकान में काम करता है, जबकि हमलावर शराब पेकार है। राहुल सेन द्वारा कुछ माह पूर्व इन्हें शराब की पेकारी करते हुए पुलिस से पकड़ाया गया था, जिसके बाद आरोपी जेल चले गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बदला लेने का प्रयास करते हुए घटना को अंजाम दिया है। हम लोग जा रहे थे शादी में, शादी में जा रहे थे, तो क्या बोल पीछे से रिपोर्ट जैसे हम लोग क्रॉस किए, उसके बाद एक गाड़ी आई ड्राइवर आया था, जिसे गाड़ी नंबर 1786 है, तो क्या बोल सामने से रिमोट छोटी गाड़ी पेड़ा लगा के उसका लेकर गाड़ी क्रॉस करने लगे, पूरी गाड़ी बन गाड़ी का एक उसको मेरा साथ ही दोस्त उसको मान लिया, उसके बाद हम बचाव ले गए तो राहुल सिंह है दोस्त उसके ऊपर फायर करेंगे, पिस्टल का बट्स है वो यहाँ पर मार दिए, उसके बाद में गोली मार के काम करके भाग गए, तो अपने दोस्त को लेकर मैंने हॉस्पिटल ले। दोस्त का क्या नाम है? राहुल सिंह। आपका क्या नाम? शुभम। ये घटना कहाँ? ये घटना ये रात को ये पहुँच गया, टोल गेट के जस्ट लगा। मानने वाले आरोपी को मानने वाले मनीष यादव क्या कारण क्या था? कारण हम लोग को नहीं पता सर, वो लोग पिस्टल लेकर लहरा रहे थे, उसके बाद गाड़ी बरस कर लगे, बोले मेरी गाड़ी आ रही है, गाड़ी बढ़ गाड़ी मार के उसी गाड़ी में बच कर रहे थे, फिर जब गाड़ी नहीं रोकेंगे तो बेड़ा लगा दिए, बेड़ा लगाने के बाद फिर हम लोग पर मारपीट कर लेंगे, हम लोग पूरे टाइम मार रहे थे, तो उसके बाद बोले तो मुंडा होना हो, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि गोली चला दी। जिस जानकारी मिली है कि दारू शराब को लेकर ऐसा कोई मामला है? बस हम लोग शादी में किस गाड़ी से? हम लोग स्कूटी से थे और मेरे दोस्त उसको गले में लगाया तो गोली लगी। उनके कहाँ गोली लगी? उनके नहीं लगी, गाँव के लिए गोली गली में लगी है, मेरे जो पिछले का वर्ष था उससे लगी। आज करीब 10:30 बजे भी रात्रि में जगनाई टोल प्लाजा के 2 किलोमीटर पास में एक गाड़ी से लोग आ रहे थे, जिसमें 3 लोग थे, जिसमें एक सुमन तिवारी, राहुल सेन और अखंड द्विवेदी। 3 लोग बाद एक बता रहे कि वैगनर कार आई, उसमें करीब 6 लोग ऐसी जानकारी भी लोग दे रहे हैं, उसमें से बता रहे हैं कि पुराना कोई विवाद था इनका और उस पर से उनने गोली चलाई है, जिस पर से इसके गर्दन पर लगी है, अभी उसकी हालत तो गंभीर है, बातचीत नहीं कर पा रहे, इशारे से बात कर रहा है, पहले बातचीत भी कर रहा था हमारे एस एस साहब को, उसने बताया भी था, उसके नाम बताए हैं, उसमें से आई पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है, अखंड थाने पर ही है एस ओ रायपुर के साथ में, वो आज रिपोर्ट लिखवा रहा है और आगे की कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा जाँच की है की जा रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें 2 लोगों को चोट लगी है, इसमें 1 को गोली लगी और 1 से बता रहा बट से मारा, तो नाम राहुल सेन को गोली लगी। रीवा से खबर समय जगत के लिए बलकरण पासी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।